सो आई गाइस दैट मीन्स असाइड फ्रॉम ट्रैवलिंग बाजी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दुबई सीरीज काफी पसंद आई हो। अगर आप लोगों को दुबई सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। आज की वीडियो में हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कितना खर्चा हुआ है दुबई सीरीज में, और मैं आप लोगों को ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। मैंने पूरी ना एक शीट बना के रखी हुई है जिसमें मैंने ये मेंशन कर रखा है मेरे कितने खर्चे हुए थे, आपके कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आपके होने ही होने हैं, जो मेरे फिजूल के खर्चे हैं उनको मैंने एक्सक्लूड कर रहा है, कोविड के रिलेटेड मेरे कितने खर्चे हुए थे, शॉपिंग के कितने खर्चे हुए थे, सारी बातें आज इन डेप्थ में करेंगे। सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने कॉमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर करना कि दुबई की करेंसी और इंडिया की करेंसी का क्या एक्सचेंज रेट है। दुबई की करेंसी है दिरहम, AED, एक AED कितने रुपए होता है, कॉमेंट्स में मेरे को बताइए फटाफट। आइए दुबई के खर्चे की बात करते हैं। देखो भाई, मैं रहा था दुबई में 5 दिन के लिए। मेरे दो पर्पस थे, एक था मेरे को शॉपिंग करनी थी, एप्पल शॉपिंग करनी थी, और दूसरा मेरे को कंटेंट बनाना था वेजी पाजी और ट्रैवलिंग पाजी, मेरे जो दो चैनल है जिनके अंदर मैं आउटडोर कंटेंट डालता हूँ उनके लिए। मैं 5 दिन दुबई में गया था अपने भाई के साथ। मैंने सारे खर्चों को ब्रेक डाउन करा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में, स्टे में, फूड में, और साइट सीइंग एंड शॉपिंग में। ये चार जो खर्चे नहीं, ये तो आपके होने ही है। आपका ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगना ही है, दुबई की फ्लाइट, आप दुबई में कैसे मेट्रो लेंगे या कैब लेंगे, तो वो खर्चा आपको हो गई। अब दुबई जा रहे हैं तो कुछ तो घूमेंगे, खाना तो कुछ खाएंगे, और होटल में तो किसी रुकेंगे, ये चार हेड्स है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो ट्रांसपोर्टेशन में टिकट्स आती है दुबई की, वन साइड की टिकट पर पर्सन आपको पड़ जाएगी कुछ अराउंड 8,000 के आसपास की पड़ जानी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप कितने पहले बुक करते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को अभी जाना है, सिर्फ दुबई के लिए नहीं कहीं के लिए भी, सपोज मेरे को अगले महीने मुंबई जाना है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मार्च के सेकंड वीक में मुंबई जाऊँगा, सपोज प्राइसेस देखे, जो वेबसाइट पे जो प्राइस सस्ता मिला उसको बुक कर लिया, क्योंकि अगर आप 3-4 वेबसाइट पे देखोगे तो वो प्राइस जो होता है ना आपकी कुकीज़ और आपके कैश मेमोरी से, वो प्राइसेस बढ़ जाते हैं और ये बहुत गड़बड़ होती है। ऐसा मत करना कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, सपोज दुबई जा रहे हो आप, और आप 4 बार प्राइसेस देख चुके हो, और 5वीं बार जब आप प्राइस बुक करने लगे हो टिकट, तो आपने देखा वो ये तो 8,000 का था, ये अब 9,500 पर पर्सन हो गया। टू एंड फ्रो मतलब दुबई से आना जाना 16,000 पर पर्सन के आसपास आप लगा लो, इतना आपको पड़ जाएगा, ये जायज रेट है। मैं ये सारे प्राइसेस आपको रुपी में बता रहा हूँ। आप लोगों से स्टार्टिंग में पूछा था दुबई की करेंसी क्या है और उसका कन्वर्जन रेट क्या है इंडिया में, वो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। दिरहम में अगर आप करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दुबई में जब आप घूमोगे, बस मेट्रो लोगे, आप कैब लोगे, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली से एयरपोर्ट जाने की, मतलब मेरे घर से एयरपोर्ट जाने की कैब और वापसी की कैब, ये सारा खर्चा मिला मिलूंगे कुछ हम लोगों को 9,000 के आसपास का पड़ा था। ये 9,000 का खर्चा जो है ये आप कम कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को बाद के दिनों में शूट ज़्यादा करना था, समय कम था, इसलिए हम लोगों ने कुछ कैब्स करी थी। जो आप मेट्रो से करोगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। मैंने एक पूरी गाइड बना रखी है दुबई मेट्रो गाइड, वो वीडियो आप चेकआउट करो, उससे आपको बहुत इजीली दुबई में मेट्रो समझ आ जाएगी कैसे नेविगेट करना है। उसके बाद आपका खर्चा आता है वीज़ा का और कोविड टेस्ट का। देखो ये वाले जो खर्चे हैं ये तो अनअवॉइडेबल हैं, टिकट का, वीज़ा का, और दुबई में कैसे नेविगेट करोगे। कोविड टेस्ट का जो खर्चा है वो अगर आप ये वीडियो 2021 में, मैं वैसे मैं शूट कर रहा हूँ, ये मैंने जो ट्रिप करी थी वो 2020 के एकदम एंड में करी थी, दिसंबर में करी थी, बट अगर आप 2022 में जा रहे हो या जब भी कोविड खत्म हो जाएगा तब जा रहे हो, तो ये आपके 5-6,000 रुपये बच जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल मेरे लगे थे, मैंने दिल्ली से टेस्ट कराया था, 2 लोगों का टेस्ट था, तो 800 रुपये पर पर्सन टेस्ट हुआ था, तो वो 1600 रुपये लगे थे। और दुबई से जब वापस आ रहा था तो भी टेस्ट कराना था, क्योंकि इंडियन एयरपोर्ट पे वो मांगते हैं टेस्ट, तो दुबई में टेस्ट था 3,000 रुपये पर पर्सन का, तो वो 6,000 रुपये तब लगे, दिल्ली से जाते हुए 1600 रुपये लगे, तो 7,500 कुछ आपके 7,600 रुपीज़ तो कोविड में ही आपका दान चढ़ गया। उसके बाद वीज़ा जो है दुबई का, अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं, वो भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप लिंक्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीज़ा क्या होता है, मोस्टली लोग 30 दिन के अंदर अंदर दुबई से वापस आ जाते हैं, तो सिंगल पर्सन 30-day वीज़ा आप लेते हो, वो 6,000 रुपीज़ का पड़ता है। अभी कोविड के टाइम पे आपको इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो 1,000 रुपीज़ की इंश्योरेंस चिपका के देखती है गवर्नमेंट, आपको वो लेनी ही पड़ती है, तो 7,000 रुपये का आपका वीज़ा पड़ता है पर पर्सन। तो ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन वाले टैब में हम लोगों का खर्चा आया था कुछ अराउंड 62,000 रुपये का। इसके अंदर कुछ ऐसे फालतू खर्चे भी हैं जिसके अंदर मैंने, देखो एकदम एंड में आऊँगा ना मैं, एकदम आपको जब सारे खर्चे बताऊँगा ना तो एंड में ब्लॉगर टैक्स भी है वो मैंने माइनस करके बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो मैंने सिर्फ अपने कॉन्टेंट के लिए बनाए हैं। अगर आप दुबई सिर्फ घूमने जा रहे हो तो आप ये सारे खर्चे नहीं करोगे। अब आते हैं मोटे खर्चे पे, आप कहाँ पे रुक रहे हो। दुबई में होटल्स बहुत सस्ते हैं,
फाइव स्टार होटल्स आपको 3 स्टार के रेट्स में बहुत ईजिली मिल जाएंगे। मैं रुका था एक दिन वर्ल्ड के सबसे बड़े होटल में, सबसे ऊंची इमारत वाला वर्ल्ड का होटल, जिसकी मैंने से वीडियो बनाई भी, आप चेकआउट कर सकते हैं, जिवोरा नाम का। उसका मेरे को कुछ अराउंड 5,500 रुपए का खर्चा आया था एक दिन का। दुबई में आप कोई भी होटल लेते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर 3 स्टार होटल है तो 10 दिरहम एक्स्ट्रा लगेंगे, 4 स्टार होटल है 15 दिरहम, 5 स्टार होटल है तो 20 दिरहम पर पर्सन एक्स्ट्रा लगेंगे। वो आपको होटल पे ही पे करना होते हैं। वो आप जैसे ये मैं बुकिंग, अगर आप मेक माई ट्रिप यात्रा या फिर किसी भी booking.com से वेबसाइट से बुक करते हैं तो वो नहीं कर सकते, वो उनका बेसिकली लग्जरी टैक्स होता है। तो हम लोग 3 दिन पार्क रेगिस 5 स्टार होटल में रुके थे, तो 60 दिरहम हम लोगों ने होटल पे एक्स्ट्रा पे करे थे लग्जरी टैक्स कि हम लोग भाई 5 स्टार होटल में रुके। एक दिन हम लोग जीवरा में, 3 दिन पार्क रेगिस में रुके थे, और फिर 5वें दिन तो हम लोग रात में फ्लाई कर रहे थे। 5वें दिन मैं रात में होटल में सोऊंगा और अगले दिन सुबह फ्लाई करूंगा, तो फिर मेरे को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो होटल के रात के सोने के। तो मैंने वैसे बनाया कि मैंने 4 नाइट का स्टे बुक करा और 5 दिन में दुबई में था, तो ये सारा खर्चा मेरा आया था 16,500 रुपये का होटल्स का खर्चा। अब मेन जो खर्चा है वो फूड का है, जो मेरा ज्यादा होता है और लोगों का कम होता है, क्योंकि मैं फूड कंटेंट क्रिएटर हूँ। जैसे आपको पता है मैं एक वेजी बाजी नाम का फूड चैनल भी चलाता हूँ। 12,400 रुपए मेरा खर्चा आया था 5 दिन दुबई में खाना खाने का, विच ट्रांसलेट्स टू अबाउट रफली 2,500 रुपीज दो लोगों का। मैं बता रहा हूँ ये दो लोगों का खर्चा आपका 2,500 रुपए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़े आराम से आपका खर्चा जो है 1,200 से 1,300 रुपये हो सकता है, अगर आप मेरी तरह जो एक्टिविटीज़ मैंने करी है वो करेंगे। क्योंकि जो डेजर्ट सफारी होती है उसके अंदर भी डिनर होता है, जो डो क्रूज होती है उसके अंदर भी डिनर होता है, तो 2 दिन तो आपके डिनर तो आपके फ्री ही हो गए एक तरीके से। तो ऐसे अगर आप प्लान करके चलेंगे तो ये जो मेरा 2,500 रुपये खर्चा हुआ है, जो मेरा टोटल दो लोगों का खर्चा 12,500 रुपये का हुआ है 5 दिन के अंदर, आपका वो 6,000 से 7,000 का हो जाएगा। चौथा पार्ट आता है साइट सीइंग और शॉपिंग। अब देखो दुबई में घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और दुबई में खरीदने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है आप उस हिसाब से स्पेंड करिए। मेरा मेन एम था परचेजिंग, शॉपिंग करना, तो मैंने ज़्यादा साइट सीइंग करी पर ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली नहीं करी। वैसे ऊपर से एकदम फेंकते हैं पाम जुमेरा का व्यू आता है, उसके 1 पर्सन के ही 35,000 रुपीज़ चार्जेस है। फिर फरारी वर्ल्ड अबू धाबी, वैसे तो अबू धाबी बंद भी था कोविड के चक्कर में, बट फरारी वर्ल्ड वगैरह वो सब भी बहुत महंगा पड़ता है। तो मैंने नॉर्मल चीज़ें करी, जो बुर्ज खलीफा देखा मैंने, अंडर वाटर एक्वेरियम देखा, डो क्रूज देखी और मैंने डेजर्ट सफारी करी। इन 4 चीज़ों का दो लोगों का खर्चा मेरे को आया 19,500 रुपये, और ये खर्चा आपका भी उतना ही होगा, मेरा भी उतना ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ ब्लॉगर टैक्स नहीं है, जो टिकट का प्राइस है उतना ही लगेगा। मैंने एप्पल की शॉपिंग करी थी, भाई ने एडिडास का कुछ खरीदा था, फिर घर वालों के लिए सूविनियर्स, ये सब लेते लेते कुछ अराउंड हमारा मोटा मोटा तो खर्चा एप्पल को ही हमारा चढ़ावा गया है, और ये सारा मिलाम लोगे हम लोगों का 2.7 लाख रुपीज़ का खर्चा है शॉपिंग का। इसमें हम लोगों ने काफ़ी सेविंग्स भी करी, तो वो आप आईफोन वाली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अराउंड 60,000 रुपीज़ सेव करे हैं इतने सारे पैसे खर्च के। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट थी, मैं इन सारी चीज़ों को अगले 3-4 साल चलाने वाला हूँ, तो मेरे को ये इन्वेस्टमेंट करनी थी। कुछ लोग दुबई में कैमरास खरीदने जाते हैं, कुछ लोग दुबई में परफ्यूम्स खरीदने जाते हैं, तो जो आपको यूज़ हो वो शॉपिंग, तो भाई देखो कोई लिमिट ही नहीं है शॉपिंग की, तो बंदा कितनी भी कर ले। उसके बाद अब ये सारी चीज़ों का अगर मैं मिला देता हूँ तो मेरा टोटल खर्चा आया था 391,000 इंडियन रुपीज़ का, मतलब तो 3,90,000 के आसपास का। इसके अंदर से मैं कुछ 58,000 माइनस कर देता हूँ, मैं अपने दोस्त का एक फ़ोन लाया था तो वो मेरा अराउंड 3,33,000 रुपये का टोटल खर्चा आया था, जिसके अंदर से अगर मैं शॉपिंग माइनस कर दूंगा तो मेरा टोटल खर्चा आया था 1,21,000 का, जिसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि ये दो लोगों का खर्चा बता रहा हूँ, तो मेरा खर्चा आ जाता है 60,500 रुपये का पर पर्सन मेरा खर्चा लगा था अगर मैं शॉपिंग एक्सक्लूड कर देता हूँ। इसके अंदर से अगर मैं ब्लॉगर टैक्स निकाल देता हूँ, ब्लॉगर टैक्स से मेरा मतलब है जो मैं एक्स्ट्रा खाना खाता हूँ, जो मैं जिवोरा जैसी प्रॉपर्टीज़ में रुकता हूँ जिसके ज़्यादा पैसे लगते हैं पर जिसमें कॉन्टेंट अच्छा निकल के आता है, जो कभी कभार हम लोगों को टाइमलाइंस मैच करनी होती है, ये भी चीज़ देखनी है ये भी चीज़ देखनी है, उसके लिए हम लोगों को मेट्रो थोड़ा सा स्लो पड़ता है इसलिए हम लोग कैब के एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर मैं हटा दूँ तो जो मेरे 60,000 रुपये खर्च हुए हैं उसमें से आप पर पर्सन आराम से 12,000 रुपये हटा दो, तो आपका पर पर्सन दुबई जाने का 5 दिन का जो ट्रिप है, इंक्लूडिंग टिकट्स, इंक्लूडिंग स्टे, इंक्लूडिंग खाना, सब कुछ इंक्लूडिंग, 48,000 में आपका आराम से हो जाएगा। ये मैं बजट ट्रिप नहीं बता रहा, ये मैं वो वाली ट्रिप बता रहा हूँ कि अगर आप 3-स्टार से 5-स्टार होटल के अंदर रुको, इतने मतलब सेमी लग्जरी ट्रिप आप एक तरीके से लगा लो। अगर आप बिल्कुल बजट ट्रिप दुबई में करना चाहते हो तो आपके अराउंड मेरे हिसाब से 35,000 के अंदर आप दुबई पूरा घूम सकते हो पर पर्सन, इतना सस्ता है दुबई। और अगर आप बिल्कुल लग्जरी ट्रिप करना चाहते हो तो आपको दिन का 1,00,000 रुपये भी दुबई में कम पड़ेगा, इतना
महंगा भी है दुबई। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई दुबई ट्रिप में खर्चा कितना हुआ, आईफोन का क्या है, ये सब कस्टम्स वगैरह का क्या है, वो सब मैंने आईफोन वाली वीडियोस में बताया है आप लोगों को। दुबई घूमने की वीडियोस आपको कुछ भी ब्लॉग्स में बताया है, आगे चल के और सीरीज आएगी, कुछ बहुत एडवेंचरस प्लान कर रहे हैं। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय। और मेरे को करेंसी बताइएगा, एक दिरहम इंडियन रुपीज़ में कितना होता है कमेंट्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बता रहा हूँ ना, मेरा काम ऐसा है, मेरे को ये सारी चीज़ें देखो बनाने में कितना ईजीली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, टोटल इतना खर्चा आया, ये अलग अलग टैब्स, ये सारी चीज़ें। ये तो एक छोटी सी ग्लिम्स है जिस वजह से मेरे को एप्पल चाहिए था। कभी आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एप्पल इकोसिस्टम से कितना टाइम बचता है और इंटर्न कितने पैसे बचते हैं, क्योंकि एक तरीके से जैसे कहावत है ना, टाइम इज़ मनी। तो वो आपको वीडियो चाहिए होगा कि मेरे काम के अंदर मेरे को एप्पल कैसे बेनिफिट करता है, वो सब आपको ला के देंगे। तब की बात तब करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।